हेलो दोस्तों, डब्ल्यू रॉ 7 जून 2021 को बहुत कुछ होने वाला है। बॉबी लैशली और ड्रू मैकइंटायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और इस कॉन्ट्रैक्ट साइन में सबसे ज्यादा चांस है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। और दूसरी तरफ शाइना ब्लिज़र और एलेक्सा ब्लिस का भी एक सेगमेंट देखने के लिए मिल सकता है एलेक्सा प्लेग्राउंड में। और टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए बाकी सारी टीम का फाइट होने वाला है, ये तय करने के लिए कि इन सारी टीमों में से कौन एजे स्टाइल और उमास को चैलेंज करेगा। तो रॉ में और क्या क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरे वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, आप करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस और शाइना ब्लेजर के बारे में। शाइना ब्लेजर इस वीक के रॉ में एलेक्सा ब्लिस के प्लेग्राउंड में आ रही है। पिछले कुछ वीक से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि शाइना ब्लेजर के मैच में बार बार एलेक्सा ब्लिस इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रही है, जिसकी वजह से शाइना ब्लेजर मैच हार जा रही है। तो फाइनली लास्ट वीक के रॉ में शाइना ब्लेजर ने एलेक्सा ब्लिस को धमकी देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक के रॉ में देखूंगी। शाइना ब्लेजर ने एलेक्सा ब्लिस की और लिली की भी काफी हद तक बेइज्जती की थी। तो अब इस वीक के रॉ में शाइना ब्लेजर एक बार फिर से एलेक्सा प्लेग्राउंड में जाएंगी, लेकिन वहां शाइना ब्लेजर को मिल सकता है एक सरप्राइज, जबकि एलेक्सा ब्लिस अपने नए रूप यानी कि द फिन के रूप में आ सकती हैं। एलेक्सा ब्लिस ने काफी टाइम से कोई मैच नहीं किया है, तो अब ये टाइम आ चुका है कि एलेक्सा ब्लिस अपने द फिन के रूप में आए और एलेक्सा ब्लिस शाइना ब्लेजर के ऊपर अटैक करे और इन दोनों का मैच हमें हेल इन द सेल में देखने के लिए मिल सकता है। टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए एक टैग टीम मैच हो रहा है। इस टैग टीम मैच में बहुत सारे टीम हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मेन टीम है आरके ब्रो और द न्यू डे। तो अब ये सवाल है कि इस टैग टीम मैच को आके जीतेगा कौन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टैग टीम मैच को टीम आरके ब्रो यानी कि रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल जीतेंगे और उसके बाद हेल इन द सेल में रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल एजे स्टाइल और ओमास को चैलेंज कर सकते हैं और इन्हें हरा के न्यू टैग टीम चैंपियन भी बन सकते हैं। रॉ के मेन इवेंट पे ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में आखिर होता क्या है। लास्ट वीक के रॉ में कोफी किंगस्टन और ड्रू मैकइंटायर का मैच हो रहा था। इस मैच का रूल ये था कि जो भी जीतेगा वो बॉबी लैशली को हेल इन द सेल में चैलेंज करेगा। तो फाइनली ड्रू मैकइंटायर ने कोफी किंगस्टन को हरा ही दिया और ड्रू मैकइंटायर एक बार फिर से नंबर वन कंटेंडर बन गए और हमें एक बार फिर से हेल इन द सेल में बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए देखने के लिए मिलेगा। अब इस वीक के रॉ में इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन इतना सिंपल नहीं होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट साइन में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और वो ट्विस्ट ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं और द ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली दोनों के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इन दोनों को चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमें हेल इन द सेल 2021 में बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिल सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ब्रॉक लेसनर इन लोगों के मैच में आके इन लोगों के ऊपर अटैक क्यों करेंगे, तो उसका एक कारण है जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कुछ हफ्तों से ध्यान दें तो ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली दोनों बार बार ब्रॉक लेसनर का नाम ले रहे हैं। बॉबी लैशली का तो ये कहना है कि ब्रॉक लेसनर उनसे डरते हैं, इसलिए वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो ये सब सेगमेंट देख के तो ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर जल्दी रिटर्न आने वाले और ब्रॉक लेसनर जल्दी चैलेंज करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को। तो अब इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और इन दोनों के ऊपर अटैक करे। तो इस बात के चांसेस है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर इस वीक के रॉ में रिटर्न आके ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसके बाद हमें हेल इन द सेल में बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मैच हो सकता है या नहीं, ये सारी बातें आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।